हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि हमारा रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। काफी सारे लोग ने रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको डेटा भी शेयर कर देता हूँ कितने सारे लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। बट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका TDS कटता है 26AS में, TDS रिफ्लेक्ट हो जाता है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या नॉन सैलरीड पर्सन हो, जो क्वार्टर एंड होता है जनवरी फरवरी मार्च, उस TDS को रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो होती है वो होती है 31 मई 2024, जो कि अभी आई नहीं है, और जो 15 मई होती है वो TCS के लिए रिटर्न फाइल करने की। तो दोनों ही केसेस में अभी जो इनकम है हमारी 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है और अपना रिफंड भी बड़ा क्लेम कर लिया है, तो उनको डेफिनेटली आगे जाकर के मिसमैच का नोटिस आएगा, क्योंकि 31 मई तक भी अगर कोई कंपनी रिटर्न फाइल करती है तो 6 से 7 दिन उसको रिफ्लेक्ट होने में लगता है। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो TIS AIS में रिफ्लेक्ट होकर के आती है अलग अलग जगह से, तो थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही अपने रिटर्न फाइल करें अगर चाहते हैं आपका रिटर्न सही तरीके से प्रोसेस हो।